हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी डीएससी पेपर टू हिस्ट्री अनर्स लम क्वेश्चन यूनिट वन। मुझे केवल मेन मेन पॉइंट गुड़िक कहीदेवि कारण यह वीडियो रे मुझे चार सारा यूनिट को आलोचना करी तेणुक सबुगुड़ी आलोचना कले वीडियो लम हो। क्वेश्चन नंबर वन, ओडिशार अफगान शासन संपर्क में आलोचना कर। यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट नंबर वन, सुलेमान कर रानी अधीन ओडिशा। शाहजादा दाऊद अधीन ओडिशा। मोगल अफगान संघर्ष। दाऊद को मृत्यु परे ओडिशा रो स्थिति। ओडिशा रे अफगान शासन रो परिसमाप्ति और मोगल शासन रो आरंभ। क्वेश्चन नंबर टू, ओडिशा रे मोगल शासन व्यवस्था रे संपर्क रे आलोचना कर। पॉइंट नंबर वन, विभिन्न सरकार बा सुबा राज्य रे अन्यान्य विभागीकरण। पॉइंट नंबर वन, विचार व्यवस्था। टू, राजस्व शासन। थ्री, धर्मक्षेत्र शासन। फोर, पुरी जगन्नाथ मंदिर रो शासन। फाइव, गड़जात शासन। क्वेश्चन नंबर थ्री, अकबर और जहांगीर को अधीन ओडिशा रे मोगल शासन संबंध में आलोचना कर। पॉइंट नंबर वन, जहांगीर को अधीन ओडिशा। पॉइंट नंबर टू, पुरी अधिकार। पॉइंट नंबर थ्री, कल्याण मल्लंक खोर्धा अधिकार। फोर, मुकरम खां खोर्धा अधिकार। पुरुषोत्तम देवों मृत्यु। खुरम को ओडिशा आगमन। खोर्धा प्रति जहांगीर को क्षोभ। क्वेश्चन नंबर फोर, औरंगजेब अधीन ओडिशा रे मोगल शासन संबंध में आलोचना। कृष्णचंद्र भंज को हत्या। पॉइंट टू, जमीदार मान दमन। पॉइंट थ्री, मुकुंद देव विद्रोह। पॉइंट फोर, जमीदार मान रयात करायत। पॉइंट फाइव, ओडिशा रे विभिन्न सुबादार कौन। पॉइंट सिक्स, जुनाइद को धर्मांधता। क्वेश्चन नंबर फाइव, ओडिशा रो मरहटा शासन संपर्क रे वर्णना। धर्मनीति, जनमंगल कार्य। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ओडिशा रे मरहटा राजत्व संबंध में एक संक्षिप्त बरणी। एक, मेरा मेहर मीर हिफ मिर्जा साले शिवभट साठे भवानी पंडित संभाजी गणेश बाबूजी नायक माधवजी हरि राजाराम पंडित सदाशिव राव।
क्वेश्चन नंबर 7 इंग्रज माने किपरि ओडिशा अधिकार करथिले वर्णना करो। क्वेश्चन नंबर 8 प्रारंभिक पर्यायर ओडिशा रे इंग्रज मानक द्वारा प्रवर्तित भू राजस्व व्यवस्था उपरे आलोचना करो। अस्थायी बंदोबस्त 2 रे अण ओडिया कर्मचारी शासन नीति 3 रे सूर्यास्त आईन र प्रभाव 4 रे अनुपस्थिति जमीदारी पद्धति 5 रे जागीरदार प्रथा बाज्याप्ति जनित समस्या जमीदार रूपे स्वीकार एवं स्थायी बंदोबस्त। गड़जात राज्यर राज्यमानंकर सहित बंदोबस्त चिरस्थायी बंदोबस्तर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 9 ओडिशा रे ब्रिटिश सरकार को लवण नीति किपरि थिला आलोचना कर। लवण शिल्पर नियंत्रण पाई पदक्षेप लवण शिल्पर एकचाटिया अधिकार लवण नीतिर कुप्रभाव। क्वेश्चन नंबर 10 ब्रिटिश राजत्वरे ओडिशारो जेल ओ पुलिस शासन व्यवस्था संबंधरे आलोचना कर। पुलिस शासन व्यवस्था एक पुलिस शासन व्यवस्था बंदीशाला प्रशासन यूनिट 2। क्वेश्चन नंबर 1 घुमुसर विद्रोह रे दोरा ओ चकोरा विषयक भूमिका वर्णना कर। घुमुसर रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दोरा विश्वसियों को संग्राम पॉइंट नंबर 3 चकरा विशेषियों को नेतृत्व रो संग्राम क्वेश्चन नंबर 2 घुमुसर विद्रोह रे कारण ओ अग्रगति संबंधरे आलोचना कर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 1 पॉइंट विद्रोह दमन पाई पदक्षेप नंबर 2 राजा धनंजय भंजक मृत्यु और विद्रोह अग्रगति नंबर 4 दोरा विषयों पर कंध विद्रोह अग्रगति नंबर 4 लेफ्टनेंट
କର୍ଣ୍ଣେଲ କ୍ୟାମ୍ପବେଲଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ। ଚକରା ବିଷୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ଆଲୋଚନା କର। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ରଗତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଫଳାଫଳ ସମୀକ୍ଷା କର। ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱରୂପ ଫଳାଫଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଭୂମିକା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପରିଚୟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆସେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଦ୍ରୋହରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଦ୍ରୋହରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱରୂପ, ବିଦ୍ରୋହର ଫଳାଫଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, କେନ୍ଦୁଝର ବିଦ୍ରୋହରେ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଙ୍କ ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ପଏଣ୍ଟ 1, ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ପରିଚୟ। ସହକାରୀ ଦେବାନ ବିଚିତ୍ର ନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଧରଣୀଧରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ଓଡ଼ିଶାରେ 1866 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ ଫଳାଫଳ ବା ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ ଫଳାଫଳ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ ଅନାବୃଷ୍ଟି, ବେପାର ବାୟୁ, ଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଲବଣ ନୀତି, କୃତ୍ରିମ ଜଳସେଚନର ଅଭାବ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଗମନାଗମନ ତଥା ସଂଯୋଗର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ନୀତି, ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାର ଅଭାବ, ଟିଇ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଫଳାଫଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା, 1835 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 53 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, 1854 1866 ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, 1866-82 ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା।
नारी शिक्षा सत्यवादी वन विद्यालय वैषयिक शिक्षार विकास नारी मानंकर निमन्ते उच्च शिक्षार विकास प्रथम विश्वविद्यालय उत्कल विश्वविद्यालय स्वाधीनता परवर्ती समय रे शिक्षार विकास ओडिशा रे आधुनिक शिक्षार विकास रो फलाफल स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन भाषा आंदोलन रो गुरुत्व आलोचना कर क्वेश्चन नंबर 10 ओडिशा रे भाषा आंदोलन रो सूत्रपात क्वेश्चन नंबर 1 ऊनविंश शताब्दी ओडिशा रे जातीयतावाद रो विकास विकासर कारण संबंधरे आलोचना करो। पॉइंट नंबर 1 तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था और परिस्थिति। पॉइंट नंबर 2 ओडिया जातीयतार विकास दिगरे शिक्षार प्रचार और प्रसार भूमिका। पॉइंट 3 छापाखानार भूमिका पत्र पत्रिकार भूमिका। पॉइंट 4 पॉइंट 5 अनुष्ठान और संघर भूमिका भाषा आंदोलन। पॉइंट 5 पॉइंट 6 धार्मिक जातीय प्रभाव। पॉइंट 7 ऐतिह्य परंपरा और संस्कृतिर भूमिका। क्वेश्चन नंबर 2 ऊनविंश शताब्दी ओडिशा रे जातीयतावाद रे विकास संबंध रे आलोचना कर। पॉइंट 1 शिक्षानुष्ठान रे प्रतिष्ठा। पॉइंट 2 ओडिशा रे छापाखाना प्रतिष्ठा और विभिन्न पत्र पत्रिका रे प्रकाश। पॉइंट 3 ओडिया भाषाभाषी अंचल एकत्रीकरण पर प्रारंभिक उद्यम। पॉइंट 7 अनुष्ठान प्रतिष्ठा और प्रभाव अन्यान्य कारण। क्वेश्चन नंबर 3 ऊनविंश शताब्दी ओडिशा रे जातीयवाद रो विकास रे उत्कल गौरव मधुसूदन दास को भूमिका आलोचना करो। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मधुसूदन दास को परिचय उत्कल सभा जातीय कांग्रेस रे योगदान हिंदी भाषा प्रचलन को विरोध उत्कल गौरव उपाधि रे संबर्धित गवर्नर जनरल कर्जन को ओडिशा गस्त और मधुसूदन दास को दाबी उपस्थापन विच्छिन्नांचल ओडिशा भाषाभाषी अंचल गुड़िकर एकत्रीकरण उद्यम। क्वेश्चन नंबर 4 स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पर ग्रहण करा जाइतबा विभिन्न पदक्षेप उपरे आलोचना। ओडिशा रे जातीय चेतना रे विकास। पॉइंट 1 पॉइंट 2 फिलिप डफ कमिटी एटा शॉर्ट क्वेश्चन रे मध्ये आसे 2 मार्किया 3 मार्किया रे फिलिप डफ कमिटी कोन अटली सब कमिटी एटा मध्ये आसे शॉर्ट क्वेश्चन रे सीमा निर्धारण कमिटी बा डोनेल कमिटी पार्लियामेंटरी एजेंट कमिटी ओडिशा प्रशासन कमिटी एगुड़िक शॉर्ट क्वेश्चन रे मध्ये आसे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश रो गठन। क्वेश्चन नंबर 5 स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन रे मधुसूदन दास कर अवदान आलोचना कर। पॉइंट 1 मधुबाबू एवं ओडिया चेतना। पॉइंट 2 उत्कल सम्मेलन।
पॉइंट थ्री मधुबाबू एवं ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िकर एकत्रीकरण। पॉइंट थ्री मधुसूदन एवं राजनीति। पॉइंट फोर मधुबाबू एवं अन्यान्य कार्यकलाप। क्वेश्चन नंबर सिक्स स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन रे कृष्णचंद्र गजपति भूमिका। आद्य जीवन पॉइंट वन। पॉइंट टू प्रजा मान उन्नति कल्पे कृष्णचंद्र गजपति अवदान। उत्कल सम्मिलनी सह कृष्णचंद्र गजपति संपर्क। पॉइंट फोर फिलिप डब कमिटी और कृष्णचंद्र गजपति। पॉइंट फाइव रॉयल कृषि कमिशन सदस्य रूपे कृष्णचंद्र भूमिका। साइमन कमिशन और कृष्णचंद्र गजपति। लंडन ठारे अनुष्ठित प्रथम गल्ठापल बैठक में कृष्णचंद्र गजपति भूमिका। कृष्णचंद्र गजपति उद्यम रे पारला खेमुंडेर ओडिशा सहित मिश्रण। ओडिशा विधानसभा रे कृष्णचंद्र गजपति भूमिका। क्वेश्चन नंबर सेवेन ओडिशा रे प्रजामंडल आंदोलन संपर्क रे आलोचना। गड़जात बा देशीय राज्य रे उत्थान। प्रजामंडल विद्रोह रो कारण। ओडिशार गड़जात राज्य प्रजा सम्मिलनी। विभिन्न स्थान रे प्रजामंडल आंदोलन। एक रे नीलगिरी ताजर गांगपुर ढेंकानाल रणपुर अन्यान्य स्थान। फलाफल समाप्त। यूनिट फोर क्वेश्चन नंबर वन प्रारंभिक पर्यायर ओडिशा रे जातीयतावादी राजनीतिर अग्रगति संबंध में आलोचना कर। एलम क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट। स्वदेश आंदोलन रे ओडिशा रे भूमिका। उत्कल कांग्रेस अभ्युदय। असहयोग आंदोलन। स्वराज ओ ओडिशा। क्वेश्चन नंबर टू ओडिशार जातीयवादी राजनीति रे गोपबंधु दास को भूमिका। एटा बहुत इम्पोर्टेंट। आदिवासी जीवन पॉइंट वन गोपबंधु एवं सत्यवादी वन विद्यालय। पॉइंट टू उत्कल सम्मिलनी रे गोपबंधु को भूमिका। पॉइंट थ्री गोपबंधु ओ जातीय कांग्रेस। पॉइंट फोर असहयोग आंदोलन रे गोपबंधु को भूमिका। पॉइंट फाइव विवाह बिहार ओडिशा विधानसभा रे गोपबंधु दास को भूमिका। संवाद पत्र प्रकाश रे गोपबंधु को अवदान। क्वेश्चन थ्री ओडिशा रे असहयोग आंदोलन रो अग्रगति और फलाफल रो आलोचना। पॉइंट वन भारतीय जातीय कांग्रेस नागपुर अधिवेशन रे ओडिशार प्रतिनिधि। पॉइंट टू गांधीजी को ओडिशा आगमन। पॉइंट थ्री ओडिशा रे आंदोलन रो कार्यबंधा। पॉइंट फोर विदेशी शिक्षानुष्ठान वर्जन और जातीय विद्यालय स्थापन। पॉइंट फाइव कांग्रेस आश्रम रो प्रतिष्ठा। पॉइंट सिक्स कोर्ट कचेरी वर्जन। पॉइंट सेवेन
सरकारी चाकरी इस्तफा प्रदान। पॉइंट एट ओडिशा रे असहयोग आंदोलन अन्यान्य कार्य। पॉइंट एट कनिका विद्रोह आंदोलन दमन ओडिशा रे असहयोग आंदोलन फलाफल। क्वेश्चन नंबर फोर आईन अमान्य आंदोलन किपर ओडिशा रे जातीयवादी राजनीति को प्रभाव पकाई आलोचना कर। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम आसे 2020 रे आसतिला। ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन पृष्ठभूमि। पॉइंट वन पॉइंट टू बालेश्वर जिला रे लवण सत्याग्रह। पॉइंट टू कटक जिला रे लवण सत्याग्रह। पॉइंट थ्री पुरी जिला रे गंजाम जिला रे लवण सत्याग्रह। ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन अन्य कार्यक्रम सरकार दमन लीला आंदोलन परिसमाप्ति। क्वेश्चन नंबर फाइव भारत छाड़ आंदोलन ओडिशा रे किपर अग्रगति लाभ करितला उल्लेख कर। बालेश्वर जिला रे भारत छाड़ आंदोलन अग्रगति। कटक जिला रे भारत छाड़ आंदोलन अग्रगति। कोरापुट जिला रे भारत छाड़ आंदोलन अग्रगति। पुरी जिला रे भारत छाड़ आंदोलन अग्रगति। संबलपुर जिला रे भारत छाड़ आंदोलन अग्रगति। आगुड़ी सर्ट क्वेश्चन मत 2 मार्क 3 मार्क पढ़े। तप अन्न्य अंचल में भारत छाड़ आंदोलन प्रभाव। ओडिशा सहित गड़जात राज्य गुड़िकर मिश्रण रे हरेकृष्ण महता भूमिका वर्णना कर। क्वेश्चन नंबर 7-6 कटक प्रजामंडल सम्मेलन। पॉइंट वन पॉइंट टू पूर्वांचल देशीय राजसंघ। पॉइंट थ्री नीलगिरी मिश्रण। गड़जात मिश्रणर फलाफल आज आलोचना ये समाप्त करुच्ची। परवर्ती वीडियो रे डीएससी पेपर 1 रो लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना कर। क्वेश्चन नंबर 1 ऊनविंश शताब्दी रे ओडिशा रे जातीयतावाद रो विकासर कारण संबंध रे आलोचना कर। पॉइंट नंबर 1 तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था ओ परिस्थिति। पॉइंट नंबर 2 ओडिया जातीयतार विकास दिगरे शिक्षार प्रचार और प्रसार भूमिका। पॉइंट 3 छापाखानार भूमिका पत्र पत्रिकार भूमिका। पॉइंट 4 पॉइंट 5 अनुष्ठान और संघर भूमिका। भाषा आंदोलन। पॉइंट 5 पॉइंट 6 धार्मिक जातीय प्रभाव। पॉइंट 7 ऐतिह्य परंपरा और संस्कृतिर भूमिका। क्वेश्चन नंबर 2 ऊनविंश शताब्दी रे ओडिशा रे जातीयतावाद रे विकास संबंध रे आलोचना कर। पॉइंट 1 शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा। पॉइंट 2 ओडिशा रे छापाखाना प्रतिष्ठा और विभिन्न पत्र पत्रिकार प्रकाश। पॉइंट 3 ओडिया भाषाभाषी अंचल एकत्रीकरण प्रारंभिक उद्यम। पॉइंट 7 अनुष्ठान प्रतिष्ठा और प्रभाव। अन्यान्य कारण। क्वेश्चन नंबर 3 ऊनविंश शताब्दी रे ओडिशा रे जातीयवाद रो विकास रे उत्कल गौरव मधुसूदन दास को भूमिका आलोचना करो। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मधुसूदन दास को परिचय। उत्कल सभा जातीय कांग्रेस रे योगदान। हिंदी भाषा
प्रचलन को विरोध। उत्कल गौरव उपाधि संबर्धित गवर्नर जनरल कर्जन को ओडिशा गस्त और मधुसूदन दास को दाबी उपस्थापन। विच्छिन्नांचल ओडिशा भाषाभाषी अंचल गुड़िकर एकत्रीकरण उद्यम। क्वेश्चन नंबर 4 स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पर ग्रहण करा जाइतबा विभिन्न पदक्षेप उपरे आलोचना। ओडिशारे जातीय चेतनार विकास पॉइंट टू फिलिप डप कमिटी। एटा शॉर्ट क्वेश्चन रे मध्ये आसे 2 मार्किया 3 मार्किया रे फिलिप डप कमिटी कौन अटली सब कमिटी एटा मध्ये आसे शॉर्ट क्वेश्चन रे। सीमा निर्धारण कमिटी बा डोनेल कमिटी। पार्लियामेंटरी एजेंट कमिटी। ओडिशा प्रशासन कमिटी एगुड़िक सर्ट क्वेश्चन आसे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन। क्वेश्चन नंबर 5 स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन में मधुसूदन दास अवदान आलोचना कर। पॉइंट 1 मधुबाबू एवं ओडिया चेतना। पॉइंट 2 उत्कल सम्मिलनी। पॉइंट 3 मधुबाबू एवं ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िकर एकत्रीकरण। पॉइंट 3 मधुसूदन एवं राजनीति। पॉइंट 4 मधुबाबू एवं अन्यान्य कार्यकलाप। क्वेश्चन नंबर 6 स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन रे कृष्णचंद्र गजपति भूमिका। आद्य जीवन पॉइंट 1। पॉइंट 2 प्रजामानंक उन्नति कल्पे कृष्णचंद्र गजपति अवदान। उत्कल सम्मिलनी सह कृष्णचंद्र गजपति संपर्क। पॉइंट 4 फिलिप डप कमिटी और कृष्णचंद्र गजपति। पॉइंट 5 रॉयल कृषि कमिशन सदस्य रूपे कृष्णचंद्र भूमिका। साइमन कमिशन और कृष्णचंद्र गजपति। लंडन ठारे अनुष्ठित प्रथम गल्ठापल बैठक में कृष्णचंद्र गजपति भूमिका। कृष्णचंद्र गजपति उद्यम पारला खेमुंडेर ओडिशा सहित मिश्रण। ओडिशा विधानसभा कृष्णचंद्र गजपति भूमिका। क्वेश्चन नंबर 7 ओडिशा रे प्रजामंडल आंदोलन संपर्क आलोचना। गड़जात बा देशीय राज्यर उत्थान। प्रजामंडल विद्रोहर कारण। ओडिशार गड़जात राज्य प्रजा सम्मिलनी। विभिन्न स्थान रे प्रजामंडल आंदोलन। एक रे नीलगिरी, ताजेर, गांगपुर, ढेंकानाल, रणपुर, अन्यान्य स्थान। फलाफल समाप्त। यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 1 प्रारंभिक पर्यायर ओडिशारे जातीयतावादी राजनीतिर अग्रगति सम्बन्धरे आलोचना कर। एलम क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट। स्वदेश आंदोलन रे ओडिशार भूमिका। उत्कल कांग्रेस अभ्युदय। असहयोग आंदोलन। स्वराज और ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 2
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟବାଦୀ ରାଜନୀତିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭୂମିକା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭୂମିକା ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭୂମିକା ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ, ବିବାହ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭୂମିକା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅବଦାନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଫଳାଫଳର ଆଲୋଚନା। ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧି। ପଏଣ୍ଟ ଟୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ। ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା। ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍, ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ ଓ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ। ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍, କଂଗ୍ରେସ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବର୍ଜନ। ପଏଣ୍ଟ ସେଭେନ୍, ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ। ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍, କନିକା ବିଦ୍ରୋହ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦମନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟବାଦୀ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଆଲୋଚନା କର, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, 2020ରେ ଆସିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍। ପଏଣ୍ଟ ଟୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ପଏଣ୍ଟ ଟୁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସରକାରଙ୍କ ଦମନଲୀଳା, ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କ ୩ ମାର୍କିଆରେ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାଙ୍କ ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ସିକ୍ସ, କଟକ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍, ପଏଣ୍ଟ ଟୁ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଦେଶୀୟ ରାଜସଂଘ। ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ, ନୀଳଗିରି ମିଶ୍ରଣ। ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣର ଫଳାଫଳ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ DSC ପେପର୍ 1ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା।